तो हम लोग बैठ गए और बस अब क्या हम लोग को होटल और बस अब हम लोग जा रहे हैं, ये लोग आ गए हम लोग को यहाँ से लेने। तो हम लोग निकल चुके हैं शाम में अब बाहर मार्केट एक्सप्लोर करने और साथ में ना जैन घाट भंडार वाले के यहाँ जाने। तो अपोजिट साइड से देख सकते हैं क्योंकि इस साइड ही खड़े होंगे तो इतना रश है। आप लोग बैकग्राउंड से समझ ही गए होंगे कि मैं घर पे नहीं हूँ। हम लोग जा रहे हैं छोटे से वेकेशन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश एज यूजुअल सिद्धार्थ ज्योति के साथ। तो बस हम लोग बीच में भी रुके हैं मूर्थल में, यहाँ पे एक नीलकंठ स्टार ढाबा है वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकल। जगह काफ़ी अच्छी थी, खाना भी बहुत बढ़िया था। मैंने तो डोसा मंगाया था और योगेश सिद्धार्थ ने अपना पराठे मंगाए थे। तो अब बस धूप बहुत ज़्यादा तेज है, हम लोग बस निकल रहे हैं, वो लोग सब गाड़ी में जाके बैठ भी गई है, मैं ही लेट रह रही हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हरिद्वार और अभी गाड़ी लगा दी है पार्किंग में और यहाँ से रिक्शा से हम लोग जा रहे हैं होटल तक। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। फिलहाल ये सब अभी सामान सेट कर रहे हैं, हम लोग दो रिक्शा कर लिए हैं, एक में हम लोग चले जाएंगे, एक में सिद्धार्थ लोग चले जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गर्मी लग रही है, हॉट हो रहा है, हॉट हो रहा है। चलो जल्दी बैठो, बहुत हॉट हो रहा है, बहुत हॉट हो रहा है। चलो पापा को बिठाओ जल्दी से, पापा आएंगे, बिठाओ बिठाओ बिठाओ। तो हम लोग बैठ गए और बस अब यहाँ से चल रहे हैं। चेक इन कर लिया हमने होटल में, ये है होटल गंगा यहीं पर हर की पौड़ी के पास। और अभी हम लोग फ्रेश वगैरह होके जा रहे हैं ऊपर रेस्टोरेंट में, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे एक्सप्लोर करने हर की पौड़ी। बच्चों को सुला के मिस्टर बेरीवाल और सिद्धार्थ के पास छोड़ के हम लोग आए हैं थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने, क्योंकि हमें घर वालों के लिए चूड़ियाँ उड़ियाँ लेनी थी। तो मैंने सबके लिए चूड़ियाँ ले ली हैं और यहाँ पे इतनी सुंदर चूड़ियाँ मिल रही हैं कि मेरा बस मन एकदम से आ गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, शाम में अब बाहर मार्केट एक्सप्लोर करने और साथ में ना जैन चाट भंडार वाले के यहाँ जाने। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, मतलब धक्का मुक्की हो रही है, इतना ज़्यादा रश है। और वेदू तो सो भी नहीं है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं जितना उसका नाम है क्या उतना अच्छा है या नहीं। अपना
हम लोग अब गंगा आरती के लिए जा रहे हैं और गंगा आरती ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। हम लोग इतनी देर तेज भाग रहे हैं कि बस टाइम से पहुंच जाए वहां तक। हम लोग उस वाले पुल से जा रहे हैं उधर। लोग अपोजिट साइड से देख सकेंगे क्योंकि इस साइड ही खड़े होंगे तो इतना रश है कि वो कहीं दिख ही नहीं रहा, इसलिए हम अपोजिट साइड खड़े होंगे। और मैं तो अभी भी सो रही है जी। गंगा मैया कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वहाँ जो वो तीन पंडित जी बैठे हैं वो हो रही है गंगा आरती। स्क्रीन पे भी पूरा दिख रहा है। जय 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 हर 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 महादेव। अपने बच्चों के नाम से, बुजुर्गों के नाम से, अपने पितरों के नाम से आज की आरती में प्रसाद देना चाहे तो गंगा जी के आरती में 10 रुपए और मांग जाना आरती में। आप गंगा जी ने जिसको जैसा दिया गंगा जी के जन्म में वैसा दान देकर आज जब तो हनुमान जी का जन्मोत्सव है और छठ पूर्णिमा है, बड़ा पावन दिन है। मम्मी कैसे कर रही है दिखा नहीं है जी इसका बताओ। तो हम लोग आ गए हर हर गंगे करके और अब हम लोग जा रहे हैं कहीं स्पेशल जगह। सिद्धार्थ लेके जा रहे हैं हमको डिनर कराने के लिए। मुझे नाम भी नहीं पता, बस आके थोड़ा सा अभी कपड़े वपड़े चेंज करे हैं होटल में और अब बस निकल रहे हैं। हाँ चप्पल इसकी है जी। वेदू ने अपना डॉक्टर सेट ले लिया है ना। डॉक्टर सेट किसमें? हाँ बैग है। आपने फोन ले लिया अपना? चलो ठीक है। हमारा होटल कुश गंगा और यहाँ से अभी आ रहे हैं वेदू और उसके पापा। मुझे इस होटल की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि ये ना यहाँ से तो पूरा पुराने पुराने स्टाइल का है और अगर आप इस साइड से देखो तो ये पूरा नया स्टाइल है। वो लोग आगे निकल गए शायद। फेमस पंडित जी पूरी वाले, काफी बड़ी दुकान है, काफी बड़ी। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे छोटे छोटे एरिया में बना हुआ है।
मैं यहाँ पे करवा रही हूँ कचौड़ी और आलू की सब्जी। और यहाँ कियांश के लिए लिए जा रहे हैं भैया लड्डू, और वहाँ योगी और सिद्धार्थ ले रहे हैं आगे वो क्या है वो, अरे यार भूल गई मैं, टिक्की। ये देखो ये ताऊ ले गया। तो जी ये रही खस्ता और आलू की सब्जी, और बड़ी टेस्टी हो रही है। हम लोग यहाँ के मेन मार्केट में जहाँ पे सिर्फ खाने ही खाने की दुकान है, छोटे छोटे होटल्स हैं, छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स हैं, और इतनी भीड़ है पर मजा बहुत आ रहा है। मैं पहली बार योगी के साथ कहीं ऐसी जगह घूम रही हूँ। शॉप है, ये साड़ियों की शॉप है और सूटों की, कितने सुंदर लग रहे हैं इसे काम। हम लोग अंदर और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। यहाँ अंधाधुन है, अंधाधुन भीड़, बहुत ही हेरिटेज वाली फीलिंग आ रही है। पता नहीं सीट भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ का। तो मिल गई है हमें, धन्य हो प्रभु का। ये लो जी यहाँ मिल गई हमें सीट। तो ये रहा इसका मेन्यू। इट इज़ अ नेक्स्ट डे और आज हम लोग दोबारा से सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं गंगा मैया के दर्शन करने। आज हम लोगों ने प्लान करा है कि वहीं सुबह सुबह नहाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद आएंगे होटल पे और फिर हम कुछ खाने पीने जाएंगे। तो सब लोग रेडी है और अब चलते हैं। मैं कैसे चढ़ रखी है मेरी योगी के ऊपर। वेदु आए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इतनी खुश है, इतनी खुश है आइसक्रीम खाने। ठीक है आइसक्रीम खिलाएंगे। ये जी यहाँ का स्ट्रीट मार्केट, छोट चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। ये पता नहीं क्या चीज़ होती है, बहुत जगह है। और ये देखो कडूली भी है भाई, रहा भाई जी, बोल दिया मैंने आपको। ये वंशिका भाई मोड़ेनाथ जी का तिलक लगवाते हुए है। वंशिका ओम नमः शिवाय, ये ले वंशिका हर हर गंगे। फिर हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, पहले गंगा मैया को प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद होटल पे जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, ब्रेकफास्ट होगा हमारा तो क्योंकि आज हमें पहले नहाना था, इसीलिए हम आज पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। नहीं पहले हमें नहाना था, हम बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे। जा रहे प्रसाद चढ़ाने, जाओ जाओ जाओ, लाओ ये मैं खा लूं। हमारा हो गया बढ़िया से नहाना और अब हम लोग जा रहे हैं होटल पे और उसके बाद करेंगे पेट पूजा, बहुत ज्यादा भूख लगी। अब हम लोग पंडित जी पूरी वाले के, जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे। हम लोग आज पूरी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है जी। मीठी लस्सी आ गई मेरी तो, बड़ी ठंडी हो रही यार, ट्राई कर लो, मार लो। किसी है तो भाई ये इस तरह आया है, आलू कद्दू सूखे आलू और पूरी अभी आ रही है। लो जी पूरी आ गई और पत्ता ला गए, आलू पत्ता। ये देख लो भाई रास्ता जिस पे हम जा रहे हैं, ऋषिकेश के लिए चीला वाले रास्ते से। है। ये कैसे हो जाएगा रास्ता, ये कहाँ जा रहा है सिद्धार्थ, कहाँ जाएगी गाड़ी? यार मैं कह रहा हूँ ना ले तू, कितने अरे कहाँ ले, ये लेनी इस तरफ से ले, रुक जा। ओ भाई ये कहाँ लेके जाएगा यार दादा भाई, रास्ता बीच में खड़े हैं, पता नहीं भगवान सिद्धार्थ ने कौन से गूगल मैप पे रास्ता देखा है, ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है, कहीं गाड़ी नहीं हिल सकती यहाँ से। अभी ये लोग पैदल गए हैं देखने के लिए कि कहाँ रास्ता है। जगह पे खड़े हैं यहाँ पे, ये देखो सामने, ना सामने कोई रास्ता है, ना इधर कोई रास्ता है, ना उधर कोई रास्ता है।
वेलकम टू दिस वीडियो, आई एम अनुष्का एंड यू आर वाचिंग गेट हेल्दी विद वंशिका। आज है हम लोग ऋषिकेश में। हम लोग कल